वेल दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 3 बेस्ट ईयरबड की, जो कि 1500 से 2000 की रेंज के बीच की होंगी। वैसे तो इस सेगमेंट में बहुत सारे ईयरबड देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हम उन ईयरबड की बात करेंगे जिनमें आपको मल्टी टच का सपोर्ट, वॉइस असिस्टेंस, हैवी ड्राइवर, बढ़िया लेटेंसी और लॉन्ग टाइम तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, जिससे आपकी डील पैसा वसूल हो। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर तीसरे ईयरबड की बात करें तो ये बोल्ट ऑडियो X1 है। दोस्तों, इस ईयरबड में मल्टी टच का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसकी हेल्प से आप म्यूजिक और कॉलिंग को इजिली कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इससे काफी क्रिस्टल क्लियर की कॉलिंग को एक्सपीरियंस करेंगे और इसमें वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसमें कमांड देकर के आप डायरेक्ट गूगल असिस्टेंट या अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो डायरेक्ट सीरी से कनेक्ट हो सकते हैं और इसमें ऑटो पेयरिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। आप जैसे ही बड को केस से निकालते हैं, बड्स ऑटोमेटिक डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसे डिवाइस के साथ बार बार कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है और इसमें IPX5 की वाटर रेजिस्टेंसी देखने को मिल जाती है, जो कि बारिश की हल्की फुल्की बूंदे या पसीना वगैरह आसानी से झेल सकता है। और दोस्तों, इसमें 5.1 की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है और अगर बैटरी की बात करें तो इसमें लिथियम पॉलीमर की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 24 घंटे का टोटल प्ले टाइम बैकअप आसानी से दे देती है। और इसमें 70 ग्राम का चार्जिंग केस देखने को मिल जाता है, जो कि साइज में बहुत छोटा है तो कैरी करने में बहुत आसान बना देता है। और इसमें 1 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 1899 रुपए इसका प्राइस है। तो इस ईयरबड का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप इसको इजीली चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर दूसरे ईयरबड की बात करें तो ये बोल्ट ऑडियो एयर बेस है। इस ईयरबड में मल्टी टच का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसकी हेल्प से आप म्यूजिक को प्ले, पॉज या कॉलिंग को कट या रिसीव बहुत ही इजीली कर सकते हैं और इसमें वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसकी हेल्प से आप गूगल असिस्टेंट या अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो डायरेक्ट सीरी से कनेक्ट हो सकते हैं और इसमें 6mm के ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं। इससे आप काफी पंची बेस की साउंड क्वालिटी को एक्सपीरियंस करेंगे और इसमें ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, जिससे इसमें 20 मीटर की ट्रांसमिशन डिस्टेंस देखने को आसानी से मिल जाती है और इसमें ऑटो पेयरिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बड्स को केस से जैसे ही निकालते हैं, ये 3 से 4 सेकंड में डिवाइस से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है और साथ ही साथ इसमें मोनोपोर्ट का फीचर्स देखने को मिल जाता है। इसकी हेल्प से आप बड्स को अलग अलग डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ IPS7 की वाटर रेजिस्टेंसी देखने को मिल जाती है, जो कि नॉर्मल पसीना या बारिश की हल्की फुल्की बूंदे आसानी से झेल सकता है। अगर इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो इसके बड्स में 6 घंटे का बैकअप और इसके केस में 4 एडिशनल बैकअप, यानी टोटल 120 घंटे का टोटल प्ले टाइम देखने को मिल जाता है। और इसमें कॉम्बैक्ट गेमिंग मोड देखने को मिल जाता है, जो कि अल्ट्रा लो लेटेंसी प्रोवाइड करता है। और अगर इसके वेट की बात करें तो 90 ग्राम वेट के साथ लॉन्ग शेप के डिजाइन देखने को मिल जाते हैं, जो कि पॉकेट में बहुत ही आसानी से आ जाते हैं और इसका केस सी टाइप की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। आप अपने मोबाइल के चार्जर से भी इजीली चार्ज कर सकते हैं। तो इस ईयरबड का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप इसको इजीली चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर पहले ईयरबड की बात करें तो ये क्रॉस बीट स्लाइड है। इसमें मल्टी फंक्शन टच कंट्रोल का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसकी हेल्प से आप म्यूजिक और कॉलिंग को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें 40ms की लेटेंसी देखने को मिल जाती है। अगर आप गेमिंग करते हैं तो बेस्ट लेटेंसी के साथ एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है और इसमें 10mm के ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं, जो कि थंपिंग बेस की साउंड क्वालिटी को प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें 5.1 की अपडेटेड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है फॉर स्टे कनेक्ट फॉर योर डिवाइस और इसमें वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इससे आप इसमें कमांड देकर के डायरेक्ट गूगल असिस्टेंट या अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो डायरेक्ट सीरी से कनेक्ट हो सकते हैं और इसमें IPX4 की वाटर रेजिस्टेंसी देखने को मिल जाती है, जो कि बारिश की हल्की फुल्की बूंदे या पसीना वगैरह आसानी से झेल सकता है। और इसमें एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे आपको कॉलिंग का बढ़िया एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। और अगर इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो 30 घंटे का टोटल प्ले टाइम देखने को मिल जाता है और इसका केस सी टाइप की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो मोबाइल के चार्जर से भी इसको इजीली चार्ज किया जा सकता है। अगर इसके वेट की बात करें तो 110 ग्राम के वेट के साथ स्लाइडिंग चार्जिंग केस का काफी यूनिक डिजाइन देखने को मिल जाता है, जो कि पॉकेट फ्रेंकली है। ओवरऑल अगर इसके प्राइस की बात करें तो 1799 रुपए इसका प्राइस है। तो दोस्तों, तीनों ईयरबड की लिस्ट मैंने काफी टेस्टिंग और रिसर्च करने के बाद बनाई है, जिससे आप इसमें से कोई भी ईयरबड इजीली आग बंद करके खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आपका कोई दोस्त ईयरबड लेने को सोच रहा है तो हमारे इस वीडियो को उसको शेयर करिए।